डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन पार्ट वन में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या होता है, हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, जैसे एक एक्स है, वाई है, तो रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं हम। रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव का मतलब ही रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज का मतलब है एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझाने के लिए। अगर हम एक तालाब में पत्थर डालते हैं, एक कंकड़ डालते हैं, तो क्या होता है, सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो क्या हो रहा है कि सर्कुलर वेव्स बढ़ते हुए जाती हैं, और बढ़ते हुए जाते हैं तो क्या उसमें होता है कि रेडियस का चेंज हो रहा है, रेगुलर रेडियस का चेंज हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, एरिया भी बढ़ रहा है, रेडियस भी बढ़ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमारे पास एक बलून है, बलून है, उसमें हम डाल रहे हैं हवा। तो बलून में जब हम हवा डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास बलून का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, रेडियस के रेस्पेक्ट में, अगर हम स्फेरिकल बलून की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव की बात करते हैं। पर यहाँ हमारे पास मैथमेटिकल हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फंक्शंस हैं उनका हम किस तरीके से डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक्स की पावर एन, रूल नंबर वन। रूल नंबर वन की बात करेंगे हम तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स की पावर एन। ठीक है, जब हम एक्स की पावर एन की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ये डिफाइंड होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास एक्स क्या है और एन क्या है। हमारे पास एक्स जो है वो भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, एन जो है वो भी रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, और हमारे पास जो एक्स है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। एक्स जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है, तो देखिए उसको हम आपको समझाते हैं किस तरीके से। ये जो एन है ये हमारे पास आगे आ जाता है। ठीक है, और एक पावर जो है इस एन में से कम हो जाएगी, तो ये हमारे पास एक्स की पावर एन का जो डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। एक पावर आगे आ गई, देखिए पावर थी ये एन, ये हमारे पास आगे आ गई इस तरीके से। अब हमारे पास बन गया एन एक्स की पावर, देखो इसमें से एक पावर जो है वो कम हो गई एन माइनस वन। ठीक है, तो ये एक्स की पावर एन का था। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले जैसे एक्स की पावर फाइव की हम बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो पांच पावर है ये क्या होगी, आगे आ जाएगी। ठीक है, फाइव एक्स की पावर और एक पावर इसमें से कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फाइव माइनस वन, क्या बन गया हमारे पास फाइव एक्स की पावर फोर। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर थ्री बाई टू। ठीक है, तो थ्री बाई टू का जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर थ्री बाई टू आगे आ गया हमारे पास। ठीक है, एक्स की पावर थ्री बाई टू माइनस वन, आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये क्या बन गया, थ्री बाई टू एक्स की पावर, देखिए थ्री बाई टू में से वन सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास वन बाई टू, और वन बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये बन गया थ्री बाई टू रूट एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास रूल नंबर टू क्या कहता है, हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन। ठीक है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, इसको जब हम डेरिवेट करते हैं तो हमारे पास देखिए वही सेम प्रोसेस है पावर के लिए, कि पावर जो है वो आगे आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये तो हमने अभी रूल पढ़ा था, एक्स की पावर एन का जो है हमने रूल पढ़ा है, उसी तरीके से इसकी पावर, पावर जो है वो आगे आ जाएगी, एक पावर इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो था हमारे पास एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। अब देखिए ये पावर का डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, इसके बाद हमें करना है ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव। और जब हम ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करते हैं तो हम इसको लिख देते हैं एक स्टेप के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ, कि हमें अभी करना है ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव हमें और करना है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट है जो ध्यान रखेंगे। देखिए कॉन्स्टेंट के साथ अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल है,
कॉन्स्टेंट के साथ अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल है तो हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, तो कॉन्स्टेंट जो है उसका कोई रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट पहले ही बाहर आ जाएगा रेट ऑफ चेंज से, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा सी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, ठीक है। अब x की पावर 5 का डेरिवेटिव होगा, और x की पावर 5 का डेरिवेटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पावर आगे आ गई, एक पावर है कम हो गई हमारे पास, 5 - 1 = 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक और बढ़िया कंसेप्ट है हमारे पास कि कॉन्स्टेंट का रेट ऑफ चेंज 0 होता है, कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते कॉन्स्टेंट में, जो उसका मान है वही रहेगा। तो अगर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ एनी कॉन्स्टेंट की, ठीक है, तो इसका क्या होगा रेट ऑफ चेंज, कॉन्स्टेंट का जो रेट ऑफ चेंज है वो 0 होता है। अगर अकेला कॉन्स्टेंट है हमारे पास तो रेट ऑफ चेंज 0, अगर वो किसी वेरिएबल के साथ है तो वो डेरिवेट होने से पहले ही बाहर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे चाहे हमारे पास k हो, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 5, ठीक है, चाहे 5 हो चाहे 7 हो चाहे कोई भी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी हो, उसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है 0। तो अब देखिए देखिए हम चलते हैं हमारे इस पे रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 में हमारे पास हमने सबसे पहले पावर को किया, पावर क्या हुआ आगे आ गया पावर, ठीक है, और एक पावर में से एक कम हो गया n-1, n पावर था n-1 हो गया। डेरिवेटिव ऑफ हम इसको कर रहे हैं ax + b का, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं ax का करेंगे अगर हम, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ax, तो ax का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a कॉन्स्टेंट है पहले ही बाहर आ जाएगा, और देखिए x का x के रेस्पेक्ट में सेम क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव की बात करें तो वो 1 होता है। क्यों होता है उसको भी हम देखें प्रूफ करते हैं। इसका मतलब x की पावर 1 डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1 की बात करते हैं हम, ठीक है, तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 1 x की पावर 1 - 1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, x की पावर 0, और किसी भी क्वांटिटी की पावर जो 0 है तो वो किसके बराबर रहेगा, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, x की पावर 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि अगर हम x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो क्या होगा, 1 के बराबर बराबर रहेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि x की पावर 1, ठीक है, x वेरिएबल का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया और वो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो अब ये जो हमारा रूल नंबर 2 है चल रहा है, देखिए यहाँ पे a कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, 1, और अभी मैंने बताया था b एक अकेला कॉन्स्टेंट है क्योंकि हम डेरिवेटिव तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो b जो क्वांटिटी है ये एज ए कॉन्स्टेंट है यहाँ हमारे पास, तो कॉन्स्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल नंबर 2 है, इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, देखिए एग्जांपल की बात करते हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल हम इसके ऊपर लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 2x + 3 की पावर 5, ठीक है, 2x + 3 की पावर 5, देखिए इसको करते हैं, सबसे पहले क्या होगा पावर का, तो पावर क्या होगी आगे आ जाएगी हमारे पास 2x + 3, एक वैल्यू कम हो जाएगी 5 - 1, पावर का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास। अब हम डेरिवेटिव करेंगे इसका 2x + 3 का, तो देखिए d/dx ऑफ 2x + 3, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हम, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया 5 2x + 3 की पावर 4, डेरिवेटिव ऑफ 2x, देखिए दो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है, और प्लस 3 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, और कॉन्स्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 3 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारे पास, देखिए 2 यहाँ से आएगा 5 × 2 = 10, और ये बन गया हमारे पास 2x + 3 की पावर 4, तो ये बन गया हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से, ये हमारे पास रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इसके ऊपर, जो हमने दो रूल पढ़े हैं इसी पे हम देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 + x^4, वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 + x^4। देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में करना है इसको डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो y का x के रिस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो dy by dx, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पावर क्या है इसकी, 1/2 पावर है, तो क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, y इज इक्वल टू रूट 1 + x^4 की पावर 1/2, ठीक है। तो देखिए आप इसको करेंगे तो पावर जो है 1/2 ये आगे आ जाएगी हमारे पास इस तरीके से, क्या होगा पावर आगे आ जाएगी 1/2 1 + x^4, और पावर में से एक वैल्यू जो है 1 जो है वो कम हो जाएगा, 1/2 - 1। अब देखिए इसको अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, पावर का डेरिवेटिव क्या हुआ, पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो, एक जो है कम हो गया पावर में से, 1/2 - 1। अब देखिए इसको करते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ 1 + x^4, ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे इसको डेरिवेटिव करेंगे अब हम नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारे पास ये बन गया 1/2 1 + x^4, 1/2 - 1, -1/2 हो गया। देखिए इसको करेंगे डेरिवेटिव ऑफ 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो गया 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। देखिए x^4 का करेंगे तो x^4 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, बीच में साइन है प्लस का, देखिए यहाँ पे 4 का किया, पावर आगे आ गई और एक पावर जो है वो कम हो गई हमारे पास, ठीक है। ये डेरिवेटिव हो गया हमारे पास 1 + x^4 का, ठीक है। तो ये 0 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो ये हो गया 4 x^3, 2 पहले से था, ऑलरेडी था 1/2, ठीक है। ये देखिए -1/2 है, पावर चली जाएगी डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास, तो ये बन गया हमारे पास 1 + x^1/2, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले गए, पॉजिटिव हो गई पावर हमारे पास, ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये बन गया हमारे पास 2 x^3 / √1 + x, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये था हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव की हम बात करते हैं तो हम इसको दो पार्ट में डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास है साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, दूसरा हम ले लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, और थर्ड वन इज डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में हम ले लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ sec x, secant x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x और डेरिवेटिव ऑफ cot x, ठीक है। देखिए सबसे एक मेन इम्पोर्टेंट बात है हमारे पास यहाँ पे कि डेरिवेटिव ऑफ, जब भी हमारे पास एक लॉजिक आप लगा सकते हो इसमें कि जब भी हमारे पास डेरिवेटिव होगा जो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हमेशा ही क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। सी से जब भी स्टार्ट हो रहा है, चाहे हमारे पास कोस एक्स हो, चाहे हमारे पास कोसेक एक्स हो, चाहे हमारे पास कोट एक्स हो, क्या होगा, हमेशा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, ठीक है, 11th क्लास में आपने पढ़ा भी है, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स। इसी तरीके से हम बात करते हैं जब कोस एक्स की बात करते हैं तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, क्योंकि जब भी सी से स्टार्ट होगा तो उसमें हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो कोस की बात करें तो हमारे पास कोस ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। टेन एक्स का क्या होता है हमारे पास, सिकेंड स्क्वेयर एक्स, ठीक है। और देखिए इधर हम बात करते हैं जब कोट एक्स की, तो कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, देखिए क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा था तो सी से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। देखिए सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सिकेंट एक्स इंटू टेन एक्स,
ठीक है, इस तरीके से भी बोल सकते हो आप। तो ये बन गया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। उसके बाद हम कोसेक एक्स की बात करते हैं, तो कोसेक एक्स में क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू टेक इंटू कॉट ऑफ एक्स, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास, कोसेक एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये तो सिंपल फंक्शन है, सिंपल फॉर्मूलाज हैं हमारे पास जो हमने इलेवंथ में भी पढ़े हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रूल नंबर थ्री, ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने एक साथ ले लिया जो आपने इलेवंथ में भी पढ़ा है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसेक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सिकेंट स्क्वेयर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या हो जाएगा, secant x इंटू टेन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या हो जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x। डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या हो जाएगा, माइनस cosecant square x। देखिए एक बात कॉमन थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, क्या बताया है मैंने कि जब भी हमारे पास c से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हो रहा है अगर हम उसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम किस तरीके से, ये तो साइन एक्स है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है, उन फॉर्म्स को हम किस तरीके से डेरिवेट करेंगे, ठीक है, अब हम वो पढ़ते हैं। देखिए जैसे हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की बात की हमने, साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कोस एक्स। अब क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से भी हो सकता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन की पावर थ्री एक्स, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से भी हो सकता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर फोर एक्स के पावर थ्री। क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से भी मिल सकता है कि 3 साइन की पावर 8 थ्री एक्स प्लस फोर की पावर 2, ठीक है। इस तरीके से भी हमारे पास क्वेश्चन मिल सकता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर पी एक्स की पावर क्यू, ठीक है, इस तरीके से भी मिल सकता है। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं साइन के हमारे पास, तो इसको किस तरीके से हमें सोल्व करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसको पहले आपने डेरिवेट करना है। क्या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर को पहले डेरिवेट करना है, क्या आपने उसके एंगल को डेरिवेट करना है, या किसको किस टाइम पर डेरिवेट करना है, ठीक है, और उनके बीच में साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, उस तरीके से हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो डेरिवेटिव होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर का, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी जो पावर है, सबसे पहले हम उस पावर को डेरिवेट करेंगे, ठीक है। और पावर का डेरिवेशन आपको अभी बताया था मैंने, क्या होता है कि पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, सेम वही चलेगा यहाँ भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी एज इट इज होता है, सेम चलता है हमारे पास। देखिए उसके बाद किसकी टर्न आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर के बाद हम डेरिवेटिव करते हैं, वो करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। देखिए पावर का डेरिवेटिव होने के बाद मल्टीप्लाई में, ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद मल्टीप्लाई में हम एंगल की जो पावर है, एंगल पावर है, उसको हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, वो भी मल्टीप्लाई में आएगा। उसके बाद लास्टली हम क्या करेंगे, एंगल को डेरिवेटिव करेंगे, जो भी एंगल में दे रखा है उसको डेरिवेटिव करेंगे, और वो भी किस में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। तो देखिए अब इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास था साइन क्यूब एक्स, ठीक है, साइन की पावर थ्री दे रखी है हमारे पास। सबसे पहले इस थ्री पावर का डेरिवेटिव होना है, ठीक है। तो थ्री पावर का जब हम डेरिवेटिव करने लगे तो क्या होगा, पावर आगे आ जाती है और एक पावर जो है वो कम हो जाएगी, तो ये किसका डेरिवेटिव हो गया, ये इस पावर का डेरिवेटिव कर चुके हैं हम, ठीक है। पावर का डेरिवेटिव करने के बाद, ठीक है, देखिए अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेट करेंगे हम, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेट करेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि पावर का डेरिवेटिव तो हो चुका है हमारे पास, अब हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है। किसका डेरिवेटिव करना है, साइन एक्स का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम चलेंगे तो यहाँ से हो गया हमारे पास थ्री साइन स्क्वेयर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कोस एक्स। तो देखिए अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम साइन का, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कोस एक्स,
देखिए आप इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो एंगल है हमारे पास x, ठीक है, एंगल क्या है हमारे पास x, तो x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वन होता है, हमने स्टार्टिंग वीडियो में बताया आपको कि x के रिस्पेक्ट में या किसी भी सेम क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज है वो हमेशा वन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका हो गया हमारे पास वन, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर जो बना इस क्वेश्चन का वो आंसर बन गया हमारे पास, ठीक है, ये आंसर बन गया हमारे पास। इसमें केवल पावर था हमारे पास एक्स्ट्रा। अब यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे भी पावर है और एंगल पे भी पावर है, तो सबसे पहले हम यहाँ चलेंगे इस कंसेप्ट की तरफ कि सबसे पहले क्या सोल्व होगा। सबसे पहले हमारे पास सोल्व होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर। तो देखिए पावर को जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर जो है कम हो जाएगी हमारे पास साइन क्यूब एक्स की पावर थ्री। देखिए केवल चेंजेज हमें उसी क्वांटिटी में करना है जिसका हम रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं, जिसको हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पावर को डेरिवेटिव कर रहे थे, पावर का डेरिवेटिव कर रहे थे, तो देखिए पावर ही हमारे पास केवल चेंज हुई है। क्या हुआ, पावर आगे आ गई और एक पावर जो है वो कम होगी, फोर में से वन कम किया तो क्या आ गया, थ्री आ गया, ठीक है। बाकी एंगल और उसकी पावर वो एज इट इज है, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हमने कोई चेंजेस नहीं किए। अब देखिए ये तो हो चुका है इस पावर का, अब आगे क्या बचा है हमारे पास वो लिख देते हैं हम। देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव और करना है हमें, किसका करना है, साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव और करना है हमें, ठीक है, क्योंकि पावर का हो चुका है तो हम पावर को हटा देंगे, बाकी जो फंक्शन बचा है उसको डेरिवेटिव और करना है। तो इसके हिसाब से अब हम यहाँ देखते हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को करना है क्योंकि इसको कर चुके हैं हम, तो इसके लिए हमें यहाँ इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेटिव करना है अब, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ देखिए हमने साइन का डेरिवेटिव क्या बोला है कि कोस एक्स होता है, ठीक है। तो इस साइन को डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर साइन क्यूब एक्स क्यूब, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो देखिए केवल साइन की जगह चेंज हो गई, साइन की जगह हमारे पास आ गया कोस, ठीक है। एंगल इसका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं होंगे, ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब। देखिए इस स्टेप को हम कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम कर चुके हैं, अब एंगल की पावर का क्या बचा है हमारे पास, साइन का कर चुके हैं तो एक्स क्यूब बचा है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब की बात करते हैं तो पहले पावर का होगा, पहले पढ़ भी चुके हो आप, तो क्या आ जाएगा, पावर आगे आएगी एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बन गया हमारे पास फोर साइन क्यूब एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, और एक्स क्यूब का करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए क्योंकि अगर ये यहाँ पे रहेगा तो इस तरीके से लग रहा है जैसे इसके साथ एंगल के साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको आगे ले आइए, फोर इंटू थ्री हो गया हमारे पास ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर साइन क्यूब एक्स क्यूब, ये एंगल हो गया हमारे पास एक्स क्यूब इसका, और ये हो गया हमारे पास कोस एक्स क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर बन गया, क्लियर है, ठीक है। देखिए इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखिए इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल में थ्री है, एक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ, देखिए तीन कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो देखिए कॉन्स्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ होता है तो हमने बताया आपको क्या करना है आपको कि कॉन्स्टेंट जो है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये थ्री जो है सबसे पहला स्टेप यही है कि जो ये थ्री है ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, उसके बाद हमें इसका डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर एट थ्री एक्स प्लस फोर की पावर टू, ठीक है। देखिए तीन कॉन्स्टेंट था ये हमने बाहर ले लिया डेरिवेटिव से, अब इसका करते हैं तो ये रूल जो है ये फॉलो होगा हमारे पास, क्या रूल है कि सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर को डेरिवेटिव करना है, तो फंक्शन की जो पावर है वो 8 है, पावर को डेरिवेटिव करने का सेम वही तरीका है, क्या हो जाएगा पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो देखिए 3 इंटू 8 जो है वो पावर मल्टीप्लाई में आ गई, साइन एक पावर जो है कम हो जाएगी, 8 में से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो ये हो गया साइन की पावर 7 3x प्लस 4 की पावर 2। देखिए इस पावर का डेरिवेटिव हुआ है तो पावर में ही चेंजेस हुए हैं, पावर आगे आई एक पावर कम हो गई, बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं करने। देखिए उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन
थ्री एक्स प्लस फोर की पावर टू। देखिए इसको, अब देखिए पावर का डेरिवेटिव हो चुका है, पावर को हटाने के बाद ये फंक्शन बचता है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव हमें और करना है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करना है तो हमारे पास अब आएगा साइन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। और तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करते हैं हम, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 8 इंटू 3 तो हो गया 24। देखिए साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कोस एक्स, ठीक है। तो इसको करते हैं हम, देखिए ये बन गया हमारे पास साइन की पावर 7, ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ तक हम डेरिवेटिव, इसके बाद करना है आपको। देखिए साइन का हो गया कोस, तो केवल इस साइन की जगह चेंज होगा, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर रहे हैं, तो फंक्शन की जगह ही हमारे पास साइन की जगह क्या चेंज होगा, कोस। एंगल जो है वो एज इट इज सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेज हमें नहीं करने हैं। तो देखिए साइन की जगह आपने किया तो ये बन गया कोस, और ये है हमारे पास 3x प्लस 4 की पावर 2। अब देखिए साइन का भी हो चुका है, तो इसका एंगल जो है ये बच गया हमारे पास, और इस एंगल पे कुछ पावर भी है। क्या पावर है इसमें, 3x प्लस 4 की पावर 2, दो पावर है इसमें, ठीक है। देखिए अब एंगल पावर, इस कंसेप्ट पे, इस रूल में हम यहाँ पहुँचे हैं, एंगल पावर का करना है। तो पावर क्या है, दो पावर है हमारे पास, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे डेरिवेटिव। तो ये बन गया हमारे पास 24 साइन, ये देखिए सेम लिखेंगे हम यहाँ पे, डेरिवेटिव इसका करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर जो है दो में से एक कम करेंगे तो एक बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव और करना है, वो हम यहाँ लिख देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई में है डी एक्स 3x प्लस 4, डी बाई डी एक्स 3x प्लस 4, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 3x का क्या आ जाएगा, 3, एक्स का 1, और 4 एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, और कॉन्स्टेंट क्वांटिटी का क्या आएगा, 0। तो यहाँ से क्या आया, 3 प्लस 0, तो क्या रहेगा, 3। तो यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डेरिवेटिव कर सकते हो। हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट जो एग्जांपल है इसका, इसको भी कर लेते हैं हम। देखिए देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल है साइन के टर्म में, साइन की पावर पी एक्स की पावर क्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले इस कंसेप्ट पे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर पर जाएंगे। देखिए पावर है यहाँ पे हमारे पास पी, तो देखिए मैं इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ठीक है। पी पावर है, पावर जो है आगे आगे हमारे पास, एक जो पावर में से एक वैल्यू कम हो जाएगी, 1 कम हो जाएगा, तो ये बन गया पी माइनस 1। देखिए इसका एंगल जो है वो एज इट इज रहेगा, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। इसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्रिक, देखिए ये पी हट चुका है, तो अब हमें किसका करना है, हमें साइन का करना है, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है। और इसके बाद कौन सा साइन आता है, हमेशा मल्टीप्लाई का साइन आता है, तो इसके बाद साइन का करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया कोस एक्स की पावर क्यू। देखिए भाई पावर का हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो चुका है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्स की पावर क्यू, कहाँ पे पहुँचे हम, ठीक है, इन दोनों का हो चुका है। साइन कौन सा आएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। क्या करना है हमें, एंगल पावर का, पावर क्या है, क्यू पावर है हमारे पास, क्या आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, और एक पावर जो है उसमें से कम हो जाएगी, ठीक है, क्यू माइनस 1 हो गया। अब देखिए इस पावर का भी हो चुका है, फंक्शन का भी हो चुका है, तो ओनली एक्स बच गया, तो एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि सेम क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने इसको पढ़ाया, ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा।